मैं चुनौती देता हूँ, 10 सेकंड मैडम, मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बता दे जो वैश्विक स्तर का हो, जिसका शिलान्यास और जमीन और नींव नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने खोद के बनवाई हो और उसमें कार्य शुरू हो गया हो पढ़ाई। ठीक है, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहली चीज तो इनको बता देता हूँ, गोरखपुर में एम्स और रायबरेली में एम्स जाके जरा ये देख लें। अरे भैया गोरखपुर का एम्स कहाँ है, किस जगह बना है, किस जगह, जगह का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। अरे वो दरभंगा की तरह तो नहीं बना है ना, शांति से। अरे नहीं प्रिया जी, अरे वो दरभंगा में भी एम्स बना था, उनकी आवाज वैसे भी ऑनियर नहीं जा पाएगी अगर आप कंटिन्यू चिल्लाएंगे। एक सेकंड ये कैसी भाषा है रत्नेश मिश्रा, क्या है ये? अरे नहीं, मैंने कहा दरभंगा वाले एम्स में इलाज करा के आइए भैया, जाइए, आप उसकी चिंता मत कीजिए ना, उन्हें जरूरत पड़ेगी वो जाना होगा। थोड़ी सी स्वास्थ्यवर्धक दवाई ले आइए दरभंगा वाले एम्स से। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पुरनिया वाले एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़िए और दरभंगा वाले एम्स से कुछ दवाइयां ले आइए, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत जो मुफ्त में मिलती है। अरे आयुष्मान भारत में घोटाला इनके यहाँ हुआ, द्वारका एक्सप्रेस में घोटाला इनके यहाँ हुआ और बताते हैं कि घोटाला हमने किया। अरे एनएचआई ने 132 करोड़ लूट लिया आनंद भैया, 154 करोड़ का एचएल में घोटाला हुआ, 154 करोड़ का एचएल में घोटाला हुआ, 132 करोड़ एनएचआई ने लूट लिया। रमेश मिश्रा उन्हें बोलने का मौका दीजिए ना, लगातार आप नहीं बोल सकते ना, आपको भी पूरा मौका दिया, सुन लीजिए उसके बाद बोल लीजिएगा। अरे भैया, अरे रत्नेश मिश्रा अगर आप शांति होंगे सर, एक सेकंड शांत हो जाइए, जवाब ले लूं, बाकी मेहमान भी ना है ना मेरे साथ पैनल पे, पूरा वक्त आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे, आनंद दुबे जी से जवाब थोड़ी लेती रहूंगी, सवाल सरकार से था इसलिए उनको मौका दिया। लगातार जनता दवाई कर रही है फिर भी बुद्धि नहीं खुल रही, आंखों के सामने की पट्टी नहीं खुल रही, फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे हम ना, और दरभंगा वाले एम्स में इलाज नहीं करा, उसी नगर एयरपोर्ट है या नहीं, आप एक काम करिए दरभंगा वाले एम्स में मेरा इलाज करवा दिया आयुष्मान भारत के तहत, सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो, निवेदन कर रहा हूँ आनंद दुबे जी, मेरा आप पुरनिया से एयरपोर्ट से फ्लाइट में रत्नेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा क्या तरीका है ये, एक बार आपने बोल दिया, सुन लिया ना सर, एक ही बात 50 बार आप दोहराते रहेंगे ऐसे तो फिर चर्चा होने से रही। मैडम जवाब नहीं आएगा तो दोहराना पड़ेगा, सवाल आपसे भी पूछे जाते हैं ना सर, सरकार है, अरे जवाब दे रहे सुन तो लीजिए, संयम तो रखिए ना, बोलने का मौका दिया रत्नेश मिश्रा, रत्नेश मिश्रा राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है, अरे 25 लाख तो लीजिए राजस्थान में, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, अरे संतरे की तरह छीन दूंगा भैया इस पे बात करोगे तो, आनंद दुबे संतरे एक सेकंड एक सेकंड ये भाषा भाषा की मर्यादा को मत लांघिए, बिल्कुल नहीं रत्नेश मिश्रा ये नहीं चलेगा, मेरे डिबेट में नहीं चलेगा, आप अगर ऐसे ही बोलते रहेंगे सर तो फिर मैं यहाँ पर आपको बोलने नहीं दूंगी, सवाल पूछिए जवाब दीजिए, आरोप आप भी लगा रहे हैं, आरोप वो भी आप पर लगा रहे हैं, तमाम मेहमान भी हैं हमारे साथ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है, ये तरीका नहीं होता। अरे मैडम मेरा सर, अरे ये तरीका नहीं होता, दिल्ली में भी एम्स है, अगर सर दर्द हो रहा है तो आप वहां जाकर के इलाज करा सकते हैं, ठीक है। विवेक पांडे एक सेकंड सर प्लीज, हो गया डिबेट को डिरेल मत कीजिए, विवेक पांडे देखिए प्रिया जी बहुत देर तक दोनों प्रवक्ता जिस भाषा में बहस कर रहे थे, मैं निवेदन करूंगा एक राष्ट्रीय चैनल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, थोड़ा सा मर्यादित शब्दों का और संयमता का परिचय देना आवश्यक है, हम सब राजनीतिक दलों के लोग हैं, मतभेद हो सकते हैं विभेद हो सकते हैं लेकिन शब्दों की मर्यादा का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए अब मुद्दे पे आते हैं जो सनातन का मुद्दा है, इस देश में सनातन का सबसे बड़ा मजाक बनाने वाली सरकार है मोदी सरकार, कैसे मैं आपको दो उदाहरण से स्पष्ट कर दूंगा और हमारे धर्मगुरु बैठे हैं वो इस पे अपने विचार अवश्य रखें, उनसे निवेदन भी करूंगा।
इस देश में राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करने वाले आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का जब निधन होता है तो कोई राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं होता है और ना ही उनको कोई राष्ट्रीय श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन जब ब्रिटेन की महारानी मरती है, एक खाड़ी देश का राजा मरता है और जापान के प्रधानमंत्री देते हैं तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। तो सनातन का अपमान कौन कर रहा है? प्रचार प्रसार करने वाले हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु का अपमान किसने किया? ये जग जाहिर है। दूसरी बात पे आऊंगा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी कहा, आप वो बाइट चला भी रही थी कि जिस तरह सूर्य को कोई नहीं छू सकता, सनातन को नहीं, ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे हैं ताकि उनके आंतरिक जो भी कला होगी, क्योंकि अभी तो मोदी सरकार मुझे जहां तक पता है कि चंद्रयान की तरह सूर्य अभियान भी शुरू कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये बयान बहुत ही निंदनीय और वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ने और गिराने वाला है, हताश करने वाला है। ऐसे बयानों से राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करके अपने नेताओं की आलोचना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं केशव प्रसाद मौर्य की निंदा के मन से करता। ठीक है, तुलसी महाराज जी का मैं रुख कर रही हूं सर। अब सर मेरे पास कर रहा हूं एक आखिरी बात, मुझे लगता है एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि भाजपा बीफ कंपनियों से जब चंदा लेती है तब उसका सनातन प्रेम कहां चला जाता है, इसका भी उदाहरण जरा। ठीक है, तुलसी महाराज का मैं रुक रही हूँ। तुलसी महाराज जी, सुना आपने, तमाम पार्टियों के लीडर्स हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, क्या वाकई इस तरीके की जब बयानबाजियां आती हैं तो जो साधु संत है या सनातनी है एक जो हमारे साथ इस वक्त आप भी चर्चा में जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं इन बयानों को आप लोग? एक सरकार है वो इस वक्त कह रही है कि हमसे बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं है, पिछली सरकारों को भी आपने देख लिया, कभी वो सत्तासीन थी और आज उसी सनातन के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। जी जी जी, प्रिया सिंह जी, एक छोटी सी बात कहना है। अभी आपने देखा कि सब अपने अपने मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं, इसमें हमारे भगवान का क्या रोल है भैया? आप सबसे एक छोटा सा बात कहना है कि आप सबसे हम इस टीवी चैनल के माध्यम से, अपने जी न्यूज के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि भैया अपने अपने मुद्दों को लेके कुछ भी बात करो, लड़ो भिरो, देश बचाओ, देश बनाओ, देश को स्वागत करो, देश को दुनिया में लेके जाओ। अरे भैया, हमारे घर में हमारे सनातन की हमारी आत्मा है सनातन। अब हम अपनी माँ को कैसे हम चौराहे पे ला के नीलाम कर रहे हैं? आज एक बात बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल भगवान को नहीं मानते? क्या वो भगवान शिव को नहीं मानते? या कोई भी व्यक्ति जितने भी सनातनी बात कर रहे हैं, कोई भी, अमित का नहीं, उदय नहीं, निधि नहीं, हर पार्टी के हम सर्वधर्म हिताय बात कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी का ही दायित्व तो है कि सनातन की बात करेंगे या परम आदरणीय योगी जी का? किसी एक का नहीं। हम घर के, हमारी माएं जैसे हमारे घर में हमें सम्मान सिखाती हैं, ऐसे ही हमारे भारत का जो हमारी माँ है वो पृथ्वी है, जो हमारे पिता है आकाश है, हमारे सूर्य के पास चले गए, पहुंच जाएंगे, वैज्ञानिक और आगे तरक्की कर लें। लेकिन एक बात बता दीजिए, मुझे जी, बहुत दुख होता है कि क्या देश में, आज दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आप क्रिश्चियन धर्म पे आप देखिए, कोई अभी कोई विवाद नहीं होता, उनके यहाँ मुद्दे पे बात होती, इस्लाम पे मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं, आदमी कहीं किसी कंट्री में चले जाइए वहां पे इनके किसी धर्म का विरोध नहीं होता, कोई किसी धर्म के छीछा लेदर नहीं कर रहा है। हमें तो शर्म आ रही है इस बात का कि हम सब एक सनातनी हो के एक दूसरे का कपड़ा नहीं उतार रहे हैं, हम अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही व्यक्तियों का कपड़ा उतार रहे हैं और हम ही आपस में उतार एक दूसरे का विरोध करते करते तो ये राजनीतिक पार्टियां इस स्तर पे आ गई हैं कि धर्म को लेकर भी बयानबाजी करने से चूक नहीं रही है और इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। राजीव रंजन जी, माफी चाहूंगी मैं, आप इस सेकेंड हाफ में आपके पास नहीं आ पाई, आपका कॉमेंट नहीं ले पाई सर। एक यहाँ पर हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सवाल वहीं का वहीं है कि 2024 में चलेगा सनातन कार्ड, क्योंकि कोई भी एक पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो इस कार्ड का इस्तेमाल इस वक्त ना कर रही हो। हर मंच से सनातन को लेकर के बातें हो रही हैं, इस वक्त कोई सनातन के खिलाफ बयानबाजी करता है तो कोई सनातन के पक्ष में, उनके हक में आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा हितैषी खुद को बताता है।